ये हैं पोट्रोनिक्स हाइड्राटेन मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड। इसमें ये लीनियर रेड स्विचेस यूज किए हैं एंड ये बेस्ट आरजीबी लाइट्स के साथ आता है एंड इसकी प्राइस रेंज है अंडर 2900 रुपीस। तो बॉक्स में आपको टाइप सी चार्जिंग केबल, मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड ये 95 मास्क मिलता है। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड, व्हाइट कलर में है एंड यहाँ पे पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। तो कीबोर्ड का फर्स्ट इम्प्रेशन काफी अच्छा एंड प्रीमियम है। बाकी कनेक्शन के लिए इसमें टोटल 3 ऑप्शन है, वायर्ड कनेक्शन, ब्लूटूथ 5.0 एंड ये रिसीवर है जिसे कीबोर्ड की बैक साइड में अटैच भी कर सकते हो। तो वायर्ड कनेक्शन से एक डिवाइस एंड रिसीवर से एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, वहीं पे ब्लूटूथ से 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे मैक्सिमम 5 डिवाइसेस इस कीबोर्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका डेमो आप वीडियो में देख सकते हो। तो फर्स्ट है वायर्ड कनेक्शन एंड सेकंड आप रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको फंक्शन प्लस आर की प्रेस करना है एंड थर्ड ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए आपको फंक्शन प्लस टैब की प्रेस करना है एंड ये पी लेटर ब्लिंक करके इंडिकेट करता है कि ये ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में है। तो अभी ये ब्लूटूथ से 3 डिवाइसेस में कनेक्ट हो चुका है, फंक्शन प्लस क्यू डिवाइस 1 कंप्यूटर, फंक्शन प्लस डब्ल्यू डिवाइस 2 स्मार्टफोन एंड फंक्शन प्लस ए डिवाइस 3 लैपटॉप। तो ये काफी इजी एंड काफी फास्ट कनेक्ट होता है विद इन अ सेकेंड में। तो कनेक्टिविटी के लिए इसको मैं 10 out of 10 देता हूँ। तो इसमें की कैप पुलर नहीं दिया है तो इसे हाथ से ही रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें जिक्शन रेड स्विचेस यूज की है एंड ये लीनियर एंड साइलेंट होती है एंड इसका की प्रेस भी काफी अच्छा है। बाकी इसको आप ब्लू स्विचेस के साथ कंपेयर करते हो तो वो टेक्टाइल एंड क्लिक की होती है एंड लाउड भी होती है। तो नो डाउट इस प्राइस में इस कीबोर्ड में ये अच्छी रेड स्विचेस ही यूज की है। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, की लूज नहीं है एंड वॉबल भी नहीं होती है। एंड लार्ज की को स्टेबल रखने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम यूज किया है एंड इसमें आरजीबी ऑन है एंड आरजीबी को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आरजीबी काफी अच्छी है क्योंकि इसमें व्हाइट की कैप यूज किया है, अगर इसकी जगह पे ब्लैक की कैप यूज करते तो इतनी अच्छी नहीं लगती। एंड इसमें 16 million पर की आरजीबी है एंड आरजीबी के टोटल 20 पैटर्न्स हैं जिसे फंक्शन प्लस ये की प्रेस करके चेंज कर सकते हो। तो ये रहे इसके कुछ आरजीबी पैटर्न्स एंड आरजीबी कलर को चेंज करना है तो आपको फंक्शन प्लस एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा एंड एरो की से ब्राइटनेस एंड आरजीबी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो एंड आरजीबी ब्राइटनेस एंड स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम पे होगी तो विंडो एंड कैप्स लॉक ब्लिंक करने लगेंगे। तो नाइट में आरजीबी ऐसी कुछ लगती है। एंड डे लाइट में फंक्शन प्लस एक्स की को प्रेस करके आरजीबी ऑफ भी कर सकते हो एंड इसमें आरजीबी पैटर्न सेव हो जाती हैं। तो ऑन ऑफ करने के बाद आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इसमें एलईडी इंडिकेशन की के अंदर ही दिया है। लाइक कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैप्स लॉक की लाइट जलेगी, तो ये मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। एंड इसमें टोटल 68 कीज है एंड मेरे यूसेज में आने वाली ऑलमोस्ट सारे कीज अवेलेबल है। लाइक प्रिंट स्क्रीन को मैं डेली यूज करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए एंड यहाँ पे होम, डिलीट एंड पेज अप डाउन कीज भी है। बाकी ये बॉक्स पे मल्टीमीडिया एंड शॉर्टकट की लिखा तो हुआ है लेकिन मैंने बहुत ट्राई करके देखा, इसमें मुझे एक भी मल्टीमीडिया एंड शॉर्टकट की नहीं मिली। एंड अगर आपको पता हो कि इसमें मल्टीमीडिया की को कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसका पोलिंग रेट मैंने ऑनलाइन टेस्ट किया तो 1000 Hz दिखा रहा था जो की गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। गेमिंग टेस्ट, तो गेमिंग में ये जिक्सन रेड स्विचेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग वगैरह करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वायर्ड मोड में ही गेमिंग करें। तो ओवरऑल कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूं एंड इसमें सारी कीज क्लोज फ्रेम में है एंड ये काफ़ी हैवी भी लग रहा है। तो इसका वेट आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड ये वाइड 12 inch है एंड वर्टिकली 4 inch है, तो इसके लिए आपको डेस्क पर ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। बाकी ये केबल की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है एंड इसकी लेंथ है 1.6 meter एंड ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट।
ये ब्लू कलर में इंडिकेट करता है कि ये चार्ज हो रहा है एंड ये ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि ये फुल चार्ज हो चुका है। एंड इसमें बैटरी साइज 1000 mAh है, तो एज्यूम करता हूँ कि ये विथ RGB 5 to 6 डे तक चल जाएगा एंड विदाउट RGB मोर देन 10 डेज तक चल जाना चाहिए। बाकी इसका एक्यूरेट रिजल्ट मैं आपको 1 मंथ यूसेज के बाद ही बता पाऊंगा। एंड कीबोर्ड की बैटरी परसेंटेज आप ब्लूटूथ सेटिंग में देख सकते हो। तो ओवरऑल कीबोर्ड मुझे काफी अच्छा लगा, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट है एंड इसके रेड स्विचेस एंड RGB नो डाउट काफी ऑसम है। बाकी इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहता तो काफी अच्छा रहता। तो अगर आपका बजट अंडर 3000 रुपीज तक है तो आप ये कीबोर्ड कंसिडर कर सकते हो। बाकी और कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।